हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो ये वीडियो लेके आया हूँ, ये है स्टॉक जो है कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड। फर्टिलाइजर सेक्टर की एक टॉप की कंपनी है कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड। एक बहुत बढ़िया क्वालिटी का स्टॉक मैं इसको कहूँगा, और इसका क्वार्टरली रिजल्ट आया है। रिजल्ट कैसा रहा उसके बारे में बात करते हैं इस छोटे से वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। अब कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड आप देख रहे हो कि 391 का शेयर प्राइस इसका अभी चल रहा है, 340 का इसका 52 वीक लो था और 588 रुपीज़ 52 वीक हाई इसका रहा है अब तक। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 11,500 मतलब 11,500 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका है। अर्निंग पर शेयर 23 रुपये के अराउंड है। पी रेशियो देखिए आप, इसका 16 का पी रेशियो है। बुक वैल्यू 106 रुपये की है। इंडस्ट्री पी यहाँ पे 11.79 है, इसकी खुद की पी 16.89 के अराउंड है। प्राइस टू बुक वैल्यू अगर देखते हैं तो 3.66 का और फेस वैल्यू 1 रुपीज़ की है। अभी देखिए कोरोमंडल इसका जो रिजल्ट आया है वो किस तरीके से, अगर आप टोटल इनकम की बात करते हैं तो टोटल इनकम जून क्वार्टर से अभी के क्वार्टर में देखिए 2500 करोड़ से 5000 करोड़ चली गई, मतलब टोटल इनकम ही डबल हो गई इस क्वार्टर में। आप देखिए अगर सितंबर की बात करते हैं तो सितंबर में तो टोटल इनकम जो है 3600 करोड़ थी, और इस क्वार्टर में ज़बरदस्त बहुत बढ़िया इंक्रीज कहूँगा मैं टोटल इनकम में, बहुत बढ़िया बेहतरीन जंप देखने को मिला है टोटल इनकम में सितंबर क्वार्टर में इन कंपैरिजन टू जून क्वार्टर आप देखिए। और अगर हम चलते हैं सेल्स प्रॉफिट पे, नेट प्रॉफिट पे, नेट प्रॉफिट कैसा रहा इस कंपनी का देखिए, 366 करोड़ का नेट प्रॉफिट शो किया है इस क्वार्टर में, जो कि बहुत ही बेहतरीन कहूँगा मैं। पिछले क्वार्टर में 90 करोड़, इस बार 366 करोड़, तो आप खुद देखिए कि कितना गुना क्वार्टरली प्रॉफिट बढ़ा है, 9×36 मतलब इतने बड़े लार्ज कैप की कंपनी 4 गुना जो है क्वार्टरली प्रॉफिट में जंप देखा, क्वार्टरली प्रॉफिट 4 गुना। और लास्ट ईयर का जो इसका 342 सितंबर का जो प्रॉफिट था 342 करोड़ था, इस बार 366 करोड़ हो गया, बहुत बढ़िया क्वार्टरली प्रॉफिट में जंप। अब ये देखिए इसकी अगर हम बात करते हैं टोटल डेट की, तो 2700 करोड़ का टोटल डेट है एंड ऑलमोस्ट 6000 करोड़ के टोटल एसेट्स हैं। और अब देखिए कंपनी ने टाइम टू टाइम डिविडेंड भी पे किया, इस साल तो इसने 2 बार डिविडेंड पे किया, एक बार 3 रुपये का, एक बार 3.5 रुपये का। लास्ट ईयर ऑलमोस्ट एक बार 5 रुपये का डिविडेंड पे किया था, 2016 में 4 रुपये का डिविडेंड पे किया था कंपनी ने। अब ये देखिए आप, 2010 में इसका जो स्टॉक स्प्लिट हुआ था 2 की फेस वैल्यू से 1 पे, और 2005 में 10 की फेस वैल्यू से 2 की फेस वैल्यू पे स्प्लिट हुआ था। ग्राफ देखिए कितना बेहतरीन ग्राफ आपको दिख रहा होगा इस कंपनी का। और अगर हम नजर डालते हैं ट्रेंड लाइंस की, तो देखिए ऐसे स्टॉक्स पे आप ट्रेंड लाइन को देखिए, ट्रेंड लाइन किस तरीके से, प्राइस ऑलवेज मूव्स इन ट्रेंड, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, और ये होता भी है। अगर स्टॉक कोई इतने इस लेवल पे चला जाता है तो जब प्राइस ट्रेंड में मूव करता है, आप ये देखिए अगर मैं आपको इसका ड्रॉ करके दिखाऊं ट्रेंड लाइन, तो ये देखिए ये जो है एक स्लो ट्रेंड लाइन है, जो पहले बहुत लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है, ये थोड़ा सा उससे फास्टर ट्रेंड लाइन है। अभी 2016 में ज़बरदस्त इसमें उछाल देखने को मिला, तो यहाँ से जो ट्रेंड लाइन दो खींच रही है, अगर आपने फैन प्रिंसिपल देखा होगा तो इसी तरीके से उसमें ट्रेंड लाइन खींची जाती है। तो देखिए ये ट्रेंड लाइन फास्टर थी, अब ये गिरावट के बाद इसने इसको क्रॉस कर दिया तो नीचे गिरा स्टॉक, और ये ट्रेंड लाइन और फास्टर है। अगर आप इसका सपोर्ट जोन देखता है तो इमीडिएट सपोर्ट जोन तो मुझे दिखता है इसका 330 से 355-355 के बीच वाली सपोर्ट जोन लाइन दिखती है। तो यहाँ से अभी ये बाउंस बैक भी हुआ है स्टॉक, देखिए नो डाउट यहाँ से बाउंस बैक हुआ जब इस ट्रेंड लाइन पर और ये टच किया, तो यहाँ से बाउंस बैक भी हुआ है। आगे अगर इसमें रिजल्ट तो ज़बरदस्त है, तो मैं कहूँगा कि अगर इस लाइन को पार कर देता है तो अगली बार ये सपोर्ट इस लाइन के अराउंड मिलेगा, और यहाँ से बाउंस बैक उम्मीद है कि देखिए इतना ज़बरदस्त रिजल्ट आया तो बाउंस बैक तो बनता है। और गवर्नमेंट जिस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट कर रही है, तो डेफिनेटली अच्छा खासा इसमें ग्रोथ दिख रहा है। और अगला, अगर मार्केट जिस तरीके से डाउन है, तो डाउन हुआ है और इलेक्शन सर पे हैं, तो उस तरीके से आप ये मत सोचिए कि गिरावट की चीज़ों को आप दरकिनार नहीं कर सकते। गिरावट आगे आनी आ सकती है, आगे आने वाले 2-3 महीनों में लोकसभा इलेक्शन तक गिरावट जो है जिस तरीके से चल रही है मार्केट में, तो करेक्शन लाजमी है, होगा वो करेक्शन। तो उस लेवल पर आप स्टॉक को अगर आपको इन लेवल्स में मिलता है नीचे वाले सपोर्ट जोन में, जो कि 280 से 300 सवा 300 के बीच है, इन लेवल्स पे कहीं मिलता है तो और बढ़िया है। और अगर और भारी इसमें गिरावट देखने को मिलती है और इस लेवल पे मिलता है ये स्टॉक आपको कहीं पे, तो आपके लिए ये देख बाइंग जोन मैं आपको बता रहा हूँ, ये बाइंग जोन सजेस्ट कर रहा हूँ कि इस ट्रेंड लाइन के कहीं पे, या फिर इस ट्रेंड लाइन के कहीं पे, या इन ट्रेंड लाइन, ये तीन जो है इसको मुझे बाइंग जोन दिखते हैं, जहाँ पे आप धीरे धीरे करके आप कुछ कुछ बाइंग इसमें कर सकते हो। बहुत बढ़िया स्टॉक है, फर्टिलाइजर सेगमेंट का टॉप का स्टॉक है, देखिए बहुत बढ़िया क्वालिटी का स्टॉक मैं इसको कहूँगा, बहुत बेहतरीन क्वालिटी का। अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखते हो तो 21% की रिटर्न ऑन इक्विटी इस में देखते हो तो 21% का ये भी है, तो बहुत बढ़िया बेहतरीन फर्टिलाइजर सेक्टर का ये स्टॉक है हमारे पास कोरोमंडल।
कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।